आजकल बाजार में प्लास्टिक निर्मित अंडे की बिक्री हो रही है। मंगलवार को न्यू कॉलोनी निवासी बाबुल सिंह ने इसकी शिकायत जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारियों सहित सिविल सर्जन से की। उबले हुए 6 अंडों को लेकर पीड़ित युवक ने अधिकारियों के पास ये कहते हुए पहुंचे कि बाजार से खरीदे गए अंडा को जब मंगलवार की सुबह उबाला और उसे छीलने लगा तो अंदर का प्लास्टिक निर्मित अंडा निकला। प्लास्टिक की जांच के लिए अंडा में आग लगाकर देखा तो उसमें प्लास्टिक साफ नजर आया। युवक ने बताया कि वो गंगजला से अंडा की खरीदारी की थी। युवक ने उबले हुए अंडे को लेकर सबसे पहले एसपी और डीआईजी कार्यालय गया, जहां पर अधिकारियों से भेंट नहीं होने पर वे अंडे को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार के पास गए, जहां इसकी शिकायत की तो सिविल सर्जन हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत इसकी जांच का आदेश दिए। उबले हुए अंडा को तत्काल ही सील कर जांच का निर्देश खाद्य निरीक्षक को दिया गया। सीएस ने कहा कि अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उबले हुए अंडे को जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा कि अंडा वास्तविक अंडा है या प्लास्टिक निर्मित। अंडा हर वर्ग के लोगों की पसंद रहती है, विशेषकर ठंडा में अंडा की बिक्री ज्यादा रहती है। ऐसे में प्लास्टिक निर्मित अंडे की बिक्री होना अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर युवक की बात सही है कि प्लास्टिक निर्मित अंडे के सेवन से किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन इस सत्यता की जांच तो भेजे गए अंडे की जांच के बाद ही हो पाएगा कि बात में कितनी सच्चाई है।